हेलो एवरीवन, ओपन योर इंग्लिश बाल भारती वर्क बुक एंड गो ऑन पेज नंबर 33। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज ऑन पोएम नंबर 9, ड्रेस क्विकली। इस लेसन पर की एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं वर्क बुक पेज नंबर 33 पर की। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हम पोएम सीखते वक्त ही हमने देखा था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ऐसे वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, यमक जुड़नारे शब्द। पोएम में हमने देखा भी था, यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड्स है, ड्रेस अनलेस, सिक क्विक, वे डे, केयर चेयर, वरी हरी, बिफोर फ्लोअर। सो ये राइमिंग वर्ड्स है आपको एग्जाम में लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये लर्न करने हैं, उनकी स्पेलिंग स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 2, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स, देन यूज द न्यू वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। आपको कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए, जैसे स्लो, नाइस, प्रॉपर, लाउड, सॉफ्ट, क्लियर, नीट। ये जो वर्ड्स है इनको ly लगा के आपको अपना एक खुद का सेंटेंस बनाना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंस दिए है, इसके अलावा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस अगर आप बना सकते हो तो आप आपके मन से भी लिख सकते हो। ये फॉर एग्जांपल है, ये भी कॉपी किए थे, चलेंगे। स्लो, आई वॉक स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब है, मतलब हम एक्शन किस तरह से करते हैं, एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में जो शब्द ज़्यादा जानकारी देता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। इसकी जानकारी हम ग्रामर में आने वाले कुछ लेसन में लेने वाले हैं, सो आपको ये ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं होगा, लेकिन स्लोली एक एडवर्ब है और ly ऐड करने पर एडवर्ब हम क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। उनके एग्जांपल देखिए, और नाइस, नाइस का नाइसली होता है, किस तरह से यूज़ किया, देखिए, टीचर अलवेज बिहेव नाइसली विथ स्टूडेंट्स। शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। प्रॉपर, रमेश राइट्स प्रॉपरली इन नोटबुक। रमेश नोटबुक में प्रॉपरली लिखता है। लाउड मीन्स ज़्यादा बड़े आवाज़ में, इन लाउड साउंड। Do not shout loudly, जोर से मत चिल्लाओ। Soft, मतलब क्या, मृदु, नरम। प्रणाली called out the kitten softly. Then clear, I can see the rainbow clearly. Rainbow means इंद्रधनुष। Write neatly in your notebook. Neat का हमने neatly किया है, write neatly in your notebook. हमने adverb बनाया है और अपना एक एक sentence बनाया है। इसके अलावा आप अलग सेंटेंस भी बना सकते हो। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34। यहाँ पर कुछ एक्शंस दिए हैं, कुछ वर्क दिया है, जैसे रीड द फॉलोइंग एंड सर्कल द थिंग्स दैट द गुप्स वुड डू। गुप्स मीन्स आपको सबसे पहले समझना होगा, गुप्स मीन्स क्या होता है, अ पर्सन विथ नो मैनर्स, मीन्स मैनर्सलेस पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि हम उसे क्या कहते हैं, जिसका बर्ताव अच्छा ना हो, गंदा रहने वाला, रूल्स फॉलो न करने वाला, बुरा व्यक्ति। वो क्या करेगा इनमें से, नीचे कुछ चीज़ें दी है, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। अभी बुरा है तो बुरी ही करेगा, तो जो बुरी है उनको आपको सर्कल करना है। ओके, स्पीक विथ देयर फुल माउथ फुल, मुंह में ऐसा कुछ दबा के बात करते हैं, सो ये वो करेंगे। कवर देयर माउथ व्हेन दे स्नीज, जब वो स्नीजिंग करते हैं, सीखते हैं, तब वो माउथ पर कुछ रखेंगे, कवर करेंगे। वो बुरे हैं तो नहीं करेंगे, सो हमने इसको राउंड नहीं किया, सर्कल। पुट मडी फुट प्रिंट्स ऑन द बेड, बेड पर गंदे पैर, जिसको कीचड़ लगा है, ऐसे लेके जाएंगे। यस, ऐसा स्टूडेंट जो किसी का नहीं मानता, मम्मी पापा का भी नहीं सुनता, टीचर की नहीं सुनता, ऐसा स्टूडेंट क्या करेगा, गुप्स, जिसको ऐसा व्यक्ति की जो जिसके पास मैनर्सलेस पर्सन कहते हैं, वो क्या करेगा, हमें लिखना है। हमें ऐसा करना नहीं है, वो क्या करता है हम बता रहे हैं, आपको जो सर्कल किया है वो नहीं करना है। स्पिट ऑन द रोड, रोड पर थूकना, वो करेगा वैसा, रोड पर थूकना अच्छी बात है क्या, नो, तो लेकिन वो करेगा, वो क्या करता है, हम उसको सर्कल कर रहे हैं। फ्लश द टॉयलेट प्रॉपरली, ये अच्छी आदत है तो वो नहीं करेगा वो, इसलिए हम इसे नहीं सर्कल करेंगे। वाइप डर्टी हैंड्स ऑन देयर क्लोथ्स, कपड़े पर, ड्रेस पर गंदे हाथ लगाएगा, यस, क्योंकि गंदा स्टूडेंट है, उसकी आदत ही भी अच्छी नहीं है, तो वो ऐसा करेगा। पिक देयर नोजेस, ये भी करेगा वो। स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन लीविंग अ रूम, जब रूम से बाहर निकलना है तब वो फैन और लाइट बंद करेगा।
उसके पास अच्छी आदतें नहीं होने के कारण वो ऐसा नहीं करेगा, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। पुश पीपल ऑन द स्टेयर्स, स्टेप्स पर, स्टेयर्स पर जो चलने वाले पीपल से उनको धक्का देगा, हाँ गंदी आदत है। वेट इन क्यू, लाइन में खड़ा रहेगा कहाँ पर भी, नहीं ऐसा नहीं करेगा वो, करेगा क्या, क्योंकि ये अच्छी आदतें हैं। यूज अदर पीपल्स थिंग्स विदाउट देयर परमिशन, किसी भी अनजान व्यक्ति की कुछ भी सामान हो तो उसके परमिशन के सिवा यूज करता है तो वो करेगा। थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, ये अच्छी आदत है तो ये नहीं फॉलो करेगा। मीन्स हमने जो सर्कल किया है वो सब बुरी आदतें हैं जो कौन करता है, गुप। गुप मीन्स अ पर्सन विथ नो मैनर्स, जिसके पास कोई भी मैनर्स नहीं है, अच्छी आदतें नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट क्या करता है, उनको हमने सर्कल किया है। जो भी सर्कल किया है टोटल बुरी आदतें हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो नहीं करनी है। जो ये आदतें अच्छी, थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए, फैंस और लाइट रूम से निकलते वक्त बंद करना चाहिए, टॉयलेट प्रॉपरली फ्लश करना चाहिए, हमारा माउथ जब हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं तब हमें ढकना चाहिए रूमाल से, ये अच्छी आदत है, ये आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन में देखेंगे। व्हाट विल यू डू इफ समवन कॉल्स यू अ गूप, आप क्या करोगे अगर किसी ने आपको गंदा कहा, बुरा कहा तो। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट वे आई हैव बीन कॉल्ड अ गूप, मैं सोचूंगा कि मुझे इसने ऐसा क्यों कहा, बुरा क्यों कहा, ऐसी कौन सी मेरी आदतें हैं जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने मुझे बुरा कहा। आई विल ट्राई टू चेंज द वे आई बिहेव, और मैं वो समझने के बाद मैं वो आदतें बदलूंगा और अच्छा बनूंगा। देन सेकेंड, मेंशन सम एक्शंस दैट विल मेक पीपल कॉल यू अ गूप, कुछ एक्शंस ऐसे बताओ कि जो क्या करेंगे आपको बुरा व्यक्ति बताएंगे। कौन सी आदतें, स्पिटिंग ऑन रोड, रोड पर थूकना, व्हिपिंग डर्टी हैंड्स ऑन क्लोथ, कपड़े पर गंदे हाथ लगाना, नॉट वॉशिंग हैंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, टॉयलेट को जाने के बाद प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करना, दीज आर द थिंग्स दैट विल मेक पीपल कॉल मी अ गूप, और ऐसी ये बुरी आदतें हैं इसकी वजह से लोग मुझे बुरा कहेंगे, भला बुरा कहेंगे। ओके, सो दिस इज अवर 9th पोएम ड्रेस क्विकली एंड वी हैव कम्प्लीट अवर एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी पर्सनली। ओके, थैंक यू।